क्वेश्चन नंबर 13, द कॉस्ट ऑफ टेबल सॉल्ट एंड शुगर आर 12 रुपीज पर के जी एंड 36 रुपीज पर के जी रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द कॉस्ट पर मोल। पर मोल मतलब एक मोल का मास, ठीक है। वन मोल सोडियम क्लोराइड मतलब हो जाएगा 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड। क्यों ऐसा? क्योंकि सोडियम का वेट होता है 23, क्लोरीन को होता है 35.5, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो वन मोल सोडियम क्लोराइड का मास मतलब इतना। तो यदि आपको एक मोल सोडियम क्लोराइड का मास पूछ रहा है, मतलब इतने ग्राम सोडियम क्लोराइड का मास आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं हम लोग। इसका कितना दिया है, 12 रुपीज पर के जी, ठीक है। तो अगर आप इतने ग्राम का रेट निकाल लिए, तो इतने ग्राम का कॉस्ट निकाल लिए, मतलब आप वन मोल का कॉस्ट निकाल, तो आपको दिया है कितना है पर के जी का, पर के जी मतलब 1000 ग्राम। तो कॉस्ट ऑफ 1000 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल टू 12 रुपीज ना, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 58.5 ग्राम दैट इज वन मोल NaCl इज इक्वल टू क्या जाएगा, 12 / 1000 इंटू 58.5। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। एक साथ सॉल्व करते हैं दोनों को। फिर वन मोल, इसको ऐसा लिखना चाहिए, मास ऑफ वन मोल NaCl, ठीक है। वैसे इसको भी लिख लेते हैं, मास ऑफ वन मोल शुगर, ठीक है। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ये कितना होता है, 342 ग्राम होता है। कैसे, तो आप इसको निकालेंगे, कार्बन का मास 12 होता है, 12 कार्बन का 12 × 12, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 22 हाइड्रोजन का 22 हो गया, ऑक्सीजन का 16 × 11, सबको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आपको उसका भी क्या दिया, 1 केजी का रेट दिया है, सिंस कॉस्ट ऑफ 1000 ग्राम ऑफ शुगर इज इक्वल टू 36 रुपीज 36 है ना, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 342 ग्राम दैट इज वन मोल शुगर इज इक्वल टू 36 / 1000 इंटू 342। सॉल्व करते दोनों को, कैलकुलेटर, 12 into 58.5 divided by 1000, 12 into 58.5 divided by 1000, 0.702, 0.7 या आ गया ₹0.702। इसका मतलब है कितना, 70 पैसे, ठीक है, लगभग 70 पैसे, 2 पैसा तो कुछ है नहीं, 2 से भी कम पैसा ना, तो 70 पैसे हो गए। इसका आप देखें तो वन मोल NaCl का मास हो गया 70 पैसे। इसका हो जाएगा 342 into 36 divided by 1000 यार 12.312 रुपीस, मतलब अप्रॉक्स 12 रुपीस, ठीक है। ये जो हो जाएगा, इस तरीके से इसको बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना बचा है अलार्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यहां तक क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। देखें, सिल्वर इज ए प्रीशियस मेटल एंड इज यूज्ड इन ज्वेलरी, कोई मतलब नहीं है।
1 मिलियन एटम का मास है 1.79 × 10⁻¹⁶, तो एटॉमिक मास निकालने बोला। एटॉमिक मास मतलब यहाँ पर भी अपने को क्या करना पड़ेगा, मोलर मास निकालना पड़ेगा। पिछले क्लास में हम लोग मॉलिकुलर मास निकाले थे, तो मॉलिकुलर मास का मतलब भी मोलर मास ही निकालना पड़ेगा, और एटॉमिक मास में भी अपने को क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास। मॉलिकुलर मास में भी मोलर मास और एटॉमिक मास में भी मोलर मास। मॉलिकुलर मास में आप मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालिए और एटॉमिक मास में आप एटम का मोलर मास निकालिए। मोलर मास मतलब मास ऑफ वन मोल पार्टिकल। अब आपको दिया है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, मास ऑफ 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10⁻⁶ सिल्वर एटम्स, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, एटम्स इज इक्वल टू 1.79 × 10⁻⁶ ग्राम। है ना, तो इतने सिल्वर एटम का मास इतना ग्राम है, तो एक मोल का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ 6.023 × 10⁻²³ सिल्वर एटम्स इज इक्वल टू क्या देगा, 1.79 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, ये 16 है, सॉरी क्वेश्चन में 16 लिखा है, इतना तो ये हो गया, तो इतने का कितना हो जाएगा, मैं लिखता हूँ थोड़ा जगह कम है, 1.79 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ इंटू 6.023 × 10⁻²³, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 1.79 × 6.023, बस 1.79 × 6.023, इसको सॉल्व करने से आ रहा है 10.78117, और ये 16 और ये 6 भी ऊपर आ जाएगा, तो ये −22 हो जाएगा, ये +6 है तो ऊपर आके −6 हो जाएगा, 10⁻⁶ ऊपर आके −6 हो जाएगा, तो ये 16 −16 और 6 और जोड़े तो −22, और ये 10⁻²³, इसको इसको इनटू करने से आ गया, इधर आया 10.78117 × 10⁻¹, इसको और क्या लिख सकते हैं, 107.8117, ये कितने का मास निकाले आप, इतने एटम का मास निकाले, तो एक मोल का मास निकाले, इसलिए क्या जाएगा, मोलर मास हो जाएगा, इतना ग्राम पर मोल, मतलब एटॉमिक मास, एटम का इसलिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का रहता तो मॉलिक्यूलर मास, एक मोल एटम का मास है इसलिए इसको मोलर मास बोलेंगे, ठीक है, और एटम का है इसलिए इसको एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, तो एटम का जब भी आपको एटॉमिक मास पूछे तो उसका मोलर मास ही निकालना रहता है। ठीक है, ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना देंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद अपन इसी के थ्योरी आगे बढ़ेंगे। ओके।